रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में विभिन्न छात्र संगठनों ने AISF, AISA, युवा राजद, छात्र राजद छात्र द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए अग्निपथ योजना की वापसी की मांग उठी है। AISF के महासचिव लोकेश आनंद ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम कर रही है। 4 साल का जॉब एक खिलौना जैसा है। इस मौके पर युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। अग्निपथ योजना युवा विरोधी योजना है। जब तक इस योजना को केंद्र वापस नहीं लेगी, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ है। हमने पूर्व में भी यह बात कहा था कि तमाम छात्र संगठनों की बैठक हुई है और इस बैठक में कहीं ना कहीं यह निर्णय लिया गया था कि अग्निपथ के विरोध में हम लोग तमाम लोग जो है इस आंदोलन करेंगे। हम लोग जो है सड़क उतर करके आंदोलन करेंगे। और जहां तक बात रही AISF छात्र राजद की, NSUI के भी लोग इसमें शामिल होंगे और JCM से भी हमने कहा था कि बात चल रही है। आगे की जो रणनीति, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल प्रेस वार्ता में यह बात कहा था कि हमने जो है हम तमाम सभी छात्र संगठनों ने यह बैठक किया था और आगे की रणनीति, ये आंदोलन की शुरुआत है। आज जो हम लोगों ने यह जो यहाँ पर प्रदर्शन जो किया है, यह प्रदर्शन हमारा जो है अग्निपथ के विरोध में यह शुरुआत।